नमस्कार, वीकली एग्री ओवरव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बात करें पूरे एग्री पैक की, तो एग्री पैक के अंदर हमने देखा कि एक तरफ डिमांड मार्केट में कंटिन्यू बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमने पूरे एग्री पैक में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बनते हुए देखा। पिछले हफ्ते में अगर हम बात करें तो ज्यादा करके सभी कमोडिटी में 1 से लेकर 5% तक की बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एग्री मार्केट पिछला हफ्ता तेजी बढ़ा रहा है। सबसे पहले हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो क्रूड पाम ऑयल के अंदर हमने एक फ्लैटी स्टोन जरूर देखा। गवर्नमेंट के एक्शन के बाद प्राइजेस में गिरावट जरूर थी, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस में फिर से हमने एक रिकवरी बनते हुए देखी और प्राइजेस 1127 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। फेस्टिव सीजन के चलते हमें लगता है धीरे धीरे डिमांड इंप्रूव होगी। इंटरनेशनल में भी लेबर कंसर्न की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। कोरोना का कंसर्न चाइना में जो बढ़ रहा है उसकी वजह से डिमांड कंसर्न थोड़ा जरूर है, बट ओवरऑल एक तरफ अगर क्रूड के भाव में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर सपोर्ट ही मिलेगा। अगले हफ्ते में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, 1110-15 के करीब लेके चलिए। 1140 तक का टारगेट हम क्रूड पाम ऑयल पे देख पाएंगे। वहीं सोयाबीन में अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस में भारी गिरावट दिखाई जरूर है, बट धीरे धीरे डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, जिसके चलते प्राइजेस ने 1.5% के करीब की तेजी दिखाई है। अपसाइड लिमिटेड रहेगा क्योंकि आगे जाके भी अराइवल प्रेशर रहेगा, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में अगले हफ्ते भी तेजी का रुख रहेगा, जो 5500 से 5600 का रेंज एक बार दिखा सकता है। रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो पूरे एडिबल पैक के अंदर ये सबसे बड़ा लीडर रहा है। पिछले एक साल के अंदर करीबन 31% की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से पिछले एक महीने में 4.5% की गिरावट हमने मार्केट में बनते हुए देखी है, बट कहीं ना कहीं अब प्राइजेस स्टेबिलाईज कर रहा है और डिमांड भी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो अगले हफ्ते के लिए 1230 से लेकर 1290 का जो दायरा है, इसी दायरे में हम रिफाइंड सोया ऑयल को ट्रेड करते हुए देखेंगे। 1240-45 के करीब मिले लेके चलिए। कैस्टर में जैसे हमने पहले भी कहा था कि 6400 6400 का लेवल अगर तोड़ के होल्ड करता है तो एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। इस बार हमने प्रोडक्शन में तो काफी गिरावट देखी है, बट कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है उसमें थोड़ा सा एक लैगिशनेस देखा था, बट अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देगी। टेक्निकली भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, जो 6800 के लिए ओवरऑल लेके चल सकते हैं। मेंथा ऑयल के अंदर हमने काफी बड़ा कंसोलिडेशन होते हुए देखा। पिछले एक महीने में प्राइसेस में 2.5% की तेजी जरूर देखी है, बट 920 से 980 का जो रेंज है इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंड में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, बट कहीं ना कहीं कैश कंसर्न्स के चलते कोई भी एक आउट आना मुश्किल लग रहा है। टेक्निकली 985 का लेवल तोड़ने पे ही हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे, जो 1020 से 1040 का लेवल दिखा सकता है। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कॉटन ने 3.5% की बड़ी तेजी और कॉटन सीड ऑयल केक ने करीबन 8% की बड़ी तेजी आते हुए दिखाई दी है। कॉटन इंटरनेशनल में भी 110 सेंट के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड इंप्रूव हो रही है और साथ में अराइवल में थोड़ा ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कॉटन कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, अगर प्राइसेस के अंदर 31400-500 तक का पुलबैक मिले लेके चलिए। ओवरऑल टारगेट 34000 का रह सकता है कॉटन में। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में हमने देखा पशु चारे के चलते डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रही है। प्राइसेस 2800 से 2750 तक का लेवल दिखा सकता है। पिछले एक हफ्ते में करीबन हमने 8% की तेजी जरूर देखी है, थोड़ा भी पुलबैक मिले लेके चलना चाहिए। जब तक प्राइसेस 2400 के ऊपर मेंटेन है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर हम कॉटन के बाद गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जबरदस्त तेजी हमने गवार सीड और गवार गम में आते हुए देखी। गवार सीड 7000 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया 5.25% की तेजी के साथ, वही गवार गम 6.25% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल थोड़ा सा कॉशियस रही है गवार कॉम्प्लेक्स में, ज्यादा तेजी की वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड हैम्पर हो सकती है, अराइवल प्रेशर भी रहेगा, जिसके चलते हमारा व्यू न्यूट्रल है। कोई भी बड़ी बाइंग ना करके चलिए, मार्केट में थोड़ा बहुत पुलबैक देखने मिल सकता है। पिछले जनवरी से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो गवार ने 80% का जंप दिखाया है, जबकि गवार गम ने 120% से ऊपर का जंप आता हुआ दिखाई दिया है। अब मसालों की अगर बात करें तो हल्दी के अंदर पिछले हफ्ते 1.5% की तेजी, जीरे में 1.25% की तेजी और कोरिएंडर धनिया के अंदर बड़ी तेजी के बाद एक पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल नवंबर ऑनवर्ड हमें लगता है कि एक्सपोर्ट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगी, बट साथ में स्विंग के फिगर्स पे भी आपको नजर रखना है।
हल्दी में 7,100 से 7,500 का दायरा रहेगा, बाय ऑन ड्रॉप्स रखिए। जीरे के अंदर जिस ढंग से प्राइजेस 15,200 का लेवल तोड़ चुका था, ये इंपॉर्टेंट है, 15,200 के ऊपर निकलने पे बड़ी तेजी वापस देखने मिल सकती है। जबकि धनिया 7,800 से लेकर 8,200 का जो दायरा है, इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इनॉल अगला हफ्ता ध्यान रखिए, छुट्टी के उपलक्ष्य पे दिवाली की छुट्टी, मंडियां बंद रहेगी, जिसके चलते अराइवल में ड्रॉप रहेगा और ये प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है।